क्वेश्चन है, टू एल्ड मोर मिल्क काओ इज इंजेक्टेड विद, यानी कि ज़्यादा दूध लेने के लिए काओ को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेट करता है। इसके अलावा सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल एक नेचुरल स्वीटनर है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। एंड स्टिलबेस्टॉल, स्टिलबेस्टॉल एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है जो कि हार्मोन थेरेपी में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, ट्रीटमेंट विद एलोक्सेन डिस्ट्रॉयड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है क्योंकि ये 1998 में क्वेश्चन आया है और इसके आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एडिसन डिसीज रिजल्ट फ्रॉम, एडिसन डिसीज किस कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर फोर है, द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट करेक्टरिस्टिक्स इन अ मॉल्टिंग इंसेक्ट इज प्रमोटेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एग्डिसॉन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हार्ट बीट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बिकॉज ऑफ। इंटरव्यू के टाइम पर हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कॉर्न डिसीज इज कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है डी, एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक्रोमेगैली इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर एट है, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू। स्टेरॉयड हार्मोन का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है। तो स्टेरॉयड हार्मोन फैट सोलिबल हार्मोन होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से डेराइव होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर नाइन, ए पर्सन पासेस मच यूरिन एंड ड्रिंक्स मच वाटर, पुट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, दिस कंडीशन में बी द रिजल्ट ऑफ। यानी कि एक आदमी है जो काफ़ी सारा पानी पीता है और उसे बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखने के लिए, तो ये कंडीशन कौन सी हो सकती है। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपीडियस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर टेन है, द सोर्स ऑफ सोमैटोस्टेटिन इज द सेम एज दैट ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यानी कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टेटिन तीनों एक ही ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन। तो इसका राइट आंसर है डी, जिसमें एट्रियल नेटवर्टिक फैक्टर यानी कि ANF जिसका सोर्स है साइनो एट्रियल नोड SAN नोड एंड इसका टारगेट है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस या फिर JGA एंड इसका फंक्शन है इनिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन, तो ये सही है, ऑक्सीटोसिन एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। इसके अलावा बी है ग्लूकागॉन, इसमें दिया हुआ है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर शुगर लेवल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी है एडलेलिन डिक्रीजेज हार्ट रेट, ये भी इंक्रीज करता है। एंड थायरोक्सिन डिक्रीज BMR, तो ये भी गलत दिया हुआ है, थायरोक्सिन रेगुलेट BMR यानी कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकागॉन इज फॉल्स, इनमें से ग्लूकागॉन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, इट एक्ट्स एंटागोनिस्टली टू इंसुलिन, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, तो ये गलत है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है ना कि कम करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इज करेक्टली मैच्ड विद द एकोपाइन डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन से ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन सही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, थाइमस। स्टार्ट्स अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि ये धीरे धीरे प्यूबर्टी के बाद इसका साइज कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रो इज द चार्ट कंटेन द वर्ड डेट बेस्ट कंप्लीट हिज स्टेटमेंट, द ग्लैंड प्रोड्यूस विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सिस्टम। यानी कि हमें इसमें तीन रो दी हुई हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर वन पे दी है ग्लैंड प्रोड्यूस, टू पे दिया है ट्रांसपोर्टेड बाय द सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सी, एंडोक्राइन हार्मोन्स सर्कुलेटरी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिलीग्राम पर डेकीलीटर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन, इनमें से कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, थायरोक्सिन, और आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉफिक हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पैराथायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद लिस्ट 2 हार्मोन सिक्रेटेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि हमें लिस्ट 1 में ग्लैंड्स दी हुई है एंड लिस्ट 2 में हार्मोन्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है ए, गोनाड्स, तो इनमें से गोनेडियल हार्मोन्स कौन सा है, तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन, तो इसे हम इससे मैच करेंगे प्रोजेस्टेरोन से। इसके बाद है बी पर पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन है उसका हुआ ग्रोथ हार्मोन, पैंक्रियास के लिए इंसुलिन एंड एड्रेनलिन के लिए कोर्टिकोसोन, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ग्लैंड इज कंसर्न विद द साल्ट इक्विलिब्रियम इन बॉडी, यानी कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी में साल्ट इक्विलिब्रियम बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है, कौन सी हार्मोन्स है जिनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, यानी कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है एंड ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, तो इसका राइट आंसर है सी, हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 23, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इनमें से कौन सी ग्लैंड को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा थाइमस, क्योंकि थाइमस टी सेल स्टिमुलेट करती है जो कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट अपॉन द रीनल ट्यूब्यूल एंड ब्लड कैपिलरीज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि रीनल ट्यूब्यूल और ब्लड कैपिलरीज पर वर्क करता है, तो उसका राइट आंसर होगा सी, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जिसे ADH भी कहते हैं, ये री एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है वाटर एंड सॉल्ट के। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 20 इयर्स के एम्स के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वेगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व नंबरिंग, यानी कि वेगस नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेगस नर्व 10th नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती है जो कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंसेशन ऑफ स्टमक पेन इज ड्यू टू, स्टमक पेन में सेंसेशन किसके कारण होता है, तो इसमें चार रिसेप्टर दिए हुए हैं, एंट्रोरिसेप्टर्स, एक्सट्रोरिसेप्टर्स, टीलोरिसेप्टर्स एंड ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर होगा ए, एंट्रोरिसेप्टर्स। तो इसकी स्पेलिंग होगी, इसमें गलत दी हुई है, ई एन टी ई आर ओ रिसेप्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूड रिफ्लैक्स, तो कंटिन्यूड रिफ्लैक्स एक्वायर्ड रिफ्लैक्सेस होते हैं जो कि किसी पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। इसके लिए IER पेवलोव ने घंटी बजने पर कुत्ते की लार टपकने का एग्जाम्पल दिया था, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर होगा 3, सेलिवेशन इन अ हंग्री डॉग इन रेस्पॉन्स टू रिंगिंग ऑफ अ बेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओटोराइनोलेरिंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी, ENT। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ फ्रॉग ब्रेन इज क्रस्ट एवन देम इट्स लेग मूव्स ऑन पिन पॉइंटिंग इट इज कॉल्ड, यानी कि यदि हम मेंढक का ब्रेन क्रस्ट कर दें और उसके बाद पिन चुबाने पर उसकी टांगे मूव करें तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा, तो इसका आंसर होगा ए, सिंपल रिफ्लेक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तो एपिलेप्सी एक मेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरोसिस भी मेंटल डिसऑर्डर है और साइकोसिस भी मेंटल डिसऑर्डर है, इसके अलावा प्लेग, प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ऑफ रैट की, यानी कि चूहे की,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिफ्थ क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, मेंढक की पांचवी क्रेनियल नर्व को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ट्राइजेमिनल नर्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्रिस्टल ऑफ लीड जिरकोनेट इज ए की कॉम्पोनेंट ऑफ, इसका राइट आंसर होगा डी, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में जिंक लीड जिन कॉर्बेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इन ह्यूमंस में लीड टू, यानी यदि वेगस नर्व ज़्यादा स्टिमुलेट करे तो क्या हो सकता है? तो वेगस नर्व इज ए मिक्स नर्व, ये विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट को, जैसे कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टल्स विद कॉनकेव लेंसेज ऑफ करेक्टिंग विजन व्हाइल नॉट यूजिंग द ग्लासेस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन हिज केस विल बी फॉर्म्ड, यानी कि एक आदमी है जो कि अपने विजन को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस पहनता है, यदि वो ग्लासेस नहीं पहनता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो कॉनकेव लेंसेज से निखट दृष्टि दोष या फिर माइपिया भी ठीक होता है, तो इस कंडीशन में इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना पर बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो इसका राइट आंसर है डी, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय डेंड्रॉन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एग्जामिन द डायग्राम ऑफ द टू सेल्स टाइप ए एंड बी गिवन बिलो एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें एक डायग्राम दिया गया है, हमें इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सेल ए इज द रोड सेल फाउंड एवनली ऑल ऑफ द रेटिना, सेल ए इज द कॉन सेल मोर कंसर्न इन द फोबिया सेंट्रोलिस, एंड ऑप्शन नंबर सी है, सेल बी इज कंसर्न विद द कलर विजन इन ब्राइट लाइट, एंड डी है, सेल ए इज सेंसिटिव टू लो लाइट इंटेंसिटीज, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेल ए इज द कौन सेल मोर कंसर्न इन द फोबिया सेंट्रेलिस। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन वो सोस अनप्रिडिक्टेबल मूड्स आउटब्रस्ट ऑफ इमोशन क्वेलसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ विद अदर्स इट सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एक पर्सन है जिसमें ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर BPD। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आई डिसीज, इनमें से कौन सी एक आई डिसीज है? तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, आई बॉल में ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन बिलो इज अ टेबल कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम ऑफ फोर फीचर्स 1 to 4, विच वन फीचर इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, यानी कि हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो हमें इसमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसका राइट आंसर है बी, पीपल ऑफ आई डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि SNS नर्वस सिस्टम पीपल को डायलेट कर देता है एंड PNS कॉन्स्ट्रिक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो जैसे कि आप जानते होंगे जो हमारा हेयरिंग एरिया है वो टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, टेम्पोरल लोब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द ब्लैक पिगमेंट इन द आई विच रिड्यूसेस द इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेटिना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बाइपोलर नर्व्स आर प्रेजेंट इन, बाइपोलर नर्व कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, रेटिना ऑफ आई, और बाइपोलर नर्व में 1 एक्सॉन होता है एंड 1 डेंड्रॉन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज द ओपनिंग ऑफ, फेनेस्ट्रा ओवेलिस किसकी ओपनिंग है? तो इसका राइट आंसर है सी, टिम्पैनिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मल्टीपोलर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन, मल्टीपोलर नर्व सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स थ्रू देयर डैश एंड सेंड सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स थ्रू देयर डैश, तो इसका राइट आंसर है सी,
यानी कि न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल थ्रू देयर सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स एंड सेल्स सेंड सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन थ्रू एक्सॉन्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर नर्व कंडक्शन, इनमें से कौन सा आयंस की जरूरत पड़ती है नर्व कंडक्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा ए कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम CaNa एंड K। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के 20 ईयर्स गेम्स के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्रेनियम ऑफ ह्यूमन कंटेन्स, क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 8 बोन्स। तो उसे याद करने की ट्रिक भी है, ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर्स, जिससे ओल्ड से ऑक्सीपिटल, पीपल से पैराइटल, फ्रॉम से परफ्रंटल, टेक्सास से टेम्पोरल एंड ईट से एथमॉइड एंड स्पाइडर्स से स्पेनॉइड। इसे हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ ऑफ सिंगल बोन इन मैमल, इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल बोन से मिलकर बना होता है। देखिए चार ऑप्शन है, डेंट्री, हाइवर्ड, अपर जॉ या फिर ऑल ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर होगा बी हायर्ड। तो हायर्ड जो है हॉर्स शू शेप की बोन होती है जो नेक में पाई जाती है और किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेला टर्सिका इज फाउंड, सेला टर्सिका कहाँ पाई जाती है। तो सेला टर्सिका इज अ डिप्रेशन इन स्पिनॉइड बोन ऑफ स्कल, जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा इन बोन, सेला टर्सिका बोन में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेस्मॉइड बोन, इनमें से कौन सी एक सेस्मॉइड बोन है। तो सेस्मॉइड बोन क्या होती है, सेस्मॉइड बोन के टेंडोन्स के जॉइंट में पाई जाती हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप में चार ऑप्शन हैं, पेल्विक्स, पटेला, टेरिकॉइड एंड पेक्टोरल गिल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा पटेला, जो कि एक सेस्मॉइड बोन है और टेंडोन के जॉइंट में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, टू ऑफ द बॉडी पार्ट विच डू नॉट अपियर इन MRI में भी, इनमें से कौन से दो ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो कि MRI में शो नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्कैपुला एंड कैनाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ बोन ऑफ द लेफ्ट ह्यूमन हाइंड लिम एज सीन फ्रॉम फ्रंट, इट हैज सर्टेन मिस्टेक इन लेबलिंग, टू ऑफ द रॉन्गली लेबल्ड बोन्स आर। तो हमें एक डायग्राम दिया गया है जो कि हमारे लेफ्ट हैंडलिंग का है, तो हमें इसमें से गलत छांटना है कि इसमें गलत कौन सी लेबलिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं फीमर बिल्कुल सही है और यहाँ पर फिबुला ये गलत है, यहाँ पर ये टिबियो है और ये फिबुला है, तो इसका ये गलत दिया हुआ है। टार्सल्स भी सही है और फेलेंजिस की जगह यहाँ पर मेटाटार्सल्स आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी फिबुला एंड फेलेंजिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्रिकेट प्लेयर इन इज फास्ट चेजिंग अ बॉल इन द फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बोन्स आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट, यानी कि एक क्रिकेट प्लेयर है जो कि काफ़ी तेज एक बॉल का पीछा करता है, तो इनमें से उसकी कौन सी बॉल इन्वॉल्वमेंट होंगी। तो देखिए जब कोई क्रिकेट प्लेयर किसी बॉल का पीछा करेगा तो उसकी फुट एंड लेग बोन्स उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जिसमें कि टार्सल्स, फीमर, मेटाटार्सल्स एंड टिबिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द शोल्डर ब्लेड इज मेड अप ऑफ, शोल्डर ब्लेड किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड जो होता है वो स्कैपुला से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेंसेशन ऑफ फैटिग इन द मस्कुलर आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कॉस्ड बाय, हमें महसूस होता है कि हमारी मसल्स थक गई हैं काफ़ी लंबे समय तक काम करने के बाद, वो ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा डी द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड हो जाता है जिससे हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, थक जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सेस्मॉइड बोन्स इज डेराइव्ड फ्रॉम, सेस्मॉइड बोन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सेस्मॉइड बोन टेंडोन से ओरिजिनेट होती है। इसका राइट आंसर होगा सी टेंडोन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग of the type of the joint with the example in human skeletal system, इसमें हमें राइट आंसर छांटना है। तो देखिए चार ऑप्शन है, cartilaginous joint between frontal and parietal, pivot joint between third and fourth cervical vertebra, hinge joint between humerus and pectoral girdle, and last में glanding joint between carpals। तो इसका राइट आंसर होगा डी
ग्लैंडिंग ज्वाइंट जो कि बिटवीन कार्पल्स कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विश बोन इन बर्ड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ, जो विश बोन होती है बर्ड्स में वो किस बोन से मिलकर बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शोल्डर ग्रेडल से विश बोन का ओरिजिनेट होता है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द क्रॉस ब्रिज साइकिल इन स्केलेटल मसल, व्हाट डज द स्टेप बी इन द फिगर रिप्रेजेंट। हमें एक क्रॉस ब्रिज साइकिल दी गई है और इसमें से पूछा गया है कि इसमें बी स्टेप में क्या होता है। तो देखिए इसमें चार स्टेप्स होते हैं ए बी सी डी, और बाद में इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए स्टेप में अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। इसके बाद बी में रिलीज ऑफ फॉस्फेट, मायोसिन चेंजेस शेप टू पुल एक्टिन। देन सी में अटैचमेंट ऑफ न्यू एटीपी टू मायोसिन हेड, द क्रॉस ब्रिज डी अटैचेस। एंड डी में स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई। तो हमसे पूछा है बी में, तो उसका बी में का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीज ऑफ फॉस्फेट मायोसिन चेंजेस शेप टू पुल एक्टिन। पोडोसाइट्स अकर्स इन, पोडोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो पोडोसाइट स्पेशल एपिथीलियम सेल होती हैं जो कि बोमन कैप्सूल में पाई जाती है और ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। तो उसका राइट आंसर होगा सी, वॉल ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिलेज, ऑर्निथिन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो ऑर्निथिन साइकिल लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो कि यूरिया फॉर्मेशन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीएब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑकर बाय, नेफ्रॉन्स में रीएब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है? तो चार ऑप्शन है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डी, जिसमें बी एंड सी है। तो इसका आंसर होगा डी, बी एंड सी, ऑस्मोसिस नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफाइड इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ डिटॉक्सिफाइड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम कंटेंट यूरिया इज प्रेजेंट, इनमें से सबसे कम यूरिया किस में पाया जाता है? हिपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन या वेना केवा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रीनल वेन। क्वेश्चन नंबर 6, डक्ट ऑफ वेलिनी इज कंसर्न विद फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, प्यूरिफिकेशन ऑफ यूरिन, कंडक्शन ऑफ यूरिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डक्ट ऑफ वेलिनी यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर इसमें है डी, नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ हेनली लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मेमेलियन नेफ्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सेप्टेड, यानी यदि मेमेलियन नेफ्रॉन में से हेनली लूप हटा दिया जाए तो इनमें से क्या हो सकता है? तो हेनली लूप इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। अगर हेनली लूप नहीं होगा तो हमारे जो यूरिन से सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण हमारा यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, द यूरिन बिकम मोर डाइल्यूट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ब्लड वेसल इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिपेटिक वेन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्निथिन साइकिल एंजाइम आर्जिनेज ब्रेक डाउन आर्जिनिन इन टू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्निथिन एंड यूरिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एम्स में आए हुए क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ O2 इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन का CO2 एंड वाटर में ब्रेकडाउन हो जाना एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि SRS किसके कारण होता है? तो SRS इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। तो इसका आंसर होगा बी, इज कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ द कॉमन कॉल्ड वायरस कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ कैपिलरी इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
द रीजन लेबल्ड एक्स रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ, हमें एक डायग्राम दिया है और हमसे पूछा है यहाँ पर एक्स कौन सा रीजन है। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ गैसियस एक्सचेंज रिएक्शन जो कि लंग्स में चलती है एल्वियोलस में, तो इसका राइट आंसर होगा बी एन एल्वियोलस। इसके अलावा ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी में पाया जाता है। विलस इज अ टिनी प्रोजेक्शन ऑफ कैपिलरी इन स्मॉल इंटेस्टाइन और ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। द लीवर इज अ साइट ऑफ बाइल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ह्यूमंस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा रेगुलेट्स ब्रीथिंग रेट बाय इट्स अफेक्ट ऑन द मेडुला, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए इज 35 ब्रीथ पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम 185 सीसी पर ब्रीथ एंड ऑफ बी इज 25 ब्रीथ पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम इज 259 सीसी पर ब्रीथ देन, तो इसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है जो कि ए का 35 है एंड बी का 25 है। तो अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। तो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम, एल्वियोलर वेंटिलेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम, पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्वियोलर वेंटिलेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो फ्रेंड्स होता क्या है, वेंटिलेशन इज इक्वल टू मतलब वेंटिलेशन रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड, यानी कि जितना ज़्यादा एयर ब्रीथ होगी उतना ज़्यादा वेंटिलेशन रेट होगा। तो ए का जो रेस्पिरेटरी रेट था वो ज़्यादा था 35, तो इसका आंसर होगा सी, पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, इसका ऑप्शन होगा सी 3 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है। ए है एम्पिस्मा रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्रोंकाई, निमोनिया ऑक्यूपेशनल डिसीज विद एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई अस्थमा एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, तो इसका राइट आंसर होगा एम्फिस्मा ए। एम्फिस्मा में क्या होता है, हमारा एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। निमोनिया, निमोनिया एक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, इसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। सिलिकोसिस इज ए लंग डिसीज कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन सिलिका। अस्थमा, अस्थमा में हमारे एयरवेज नैरो हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथिड इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, तो इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं जो कि 500 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मच डेवलप्ड लैरिंग ऑफ वुमेन मेल इज कॉल्ड, अगर हमारा लैरिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एडन्स एप्पल कहते हैं और लैरिंग्स को हम कार्टिलेजनस बॉक्स भी कहते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन ब्लड विल लोअर pH बिकॉज CO2 कम्बाइंस विद द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ए, द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन ब्लड विल लोअर pH बिकॉज CO2 कम्बाइंस विद H2O टू फॉर्म HIN एंड CH3 आयन विद द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय कार्बनिक एनहाइड्रेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्ट टू द लंग, यानी कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एज बाई कार्बोनेट आयन्स, इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व गैस मोलिक्यूल्स, बाय बाइंडिंग टू RBC एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में एंड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट फॉर्म में जो कि 70% ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व फॉर्म में 7% एंड कार्बा अमीनो फॉर्म में 23%, तो इसका आंसर होगा ए, एज बाइकार्बोनेट आयंस जिसमें कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन के 20 इयर्स के एम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटी सीरम कंटेंस, एंटी सीरम में क्या होता है, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज, ल्यूकोसाइड्स या फिर RBC। तो एंटी सीरम इज अ ब्लड सीरम डैट कंटेंस एंटीबॉडीज, इस तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इंड्यूसेस लाइसिस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन ड्यूरिंग फाइब्रोलाइसिस, यानी कि कौन सा एंजाइम फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में लाइसिस करता है, प्लाज्मिन, थ्रोम्बिन,
फाइब्रिन या फिर ट्रिप्सिन, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी पेशेंट, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ओ, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वाल, इनमें से कौन से चैम्बर की सबसे थिकेस्ट वाल होती है, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल या फिर राइट ओरिकल, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इट हैज़ टू पम्प द ब्लड टू द फार्थेस्ट एंड ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को हार्ट से सबसे दूर वाले भाग में ले जाता है। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू आइटम्स मीन वन एंड द सेम थिंग, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें कि दोनों का मतलब एक ही है, तो मेलस एनविल, तो ये गलत है। मेलस का जो शेप होता है वो हैमर शेप्ड होता है, ना कि एनविल शेप्ड। इसके बाद, एस ए नोट पेसमेकर, तो ये सही है, तो उसका राइट आंसर होगा एस ए नोट इज इक्वल टू पेसमेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट, यानी कि आर्टिफिशियल पेसमेकर किन पेशेंट में लगाया जाता है। नंबर ए ऑप्शन है, हैविंग 90% ब्लॉकेज ऑफ द थ्री मेन कोरोनरी आर्टरीज, हैविंग अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर विद इरेगुलरिटी इन द हार्ट रिदम, या फिर सफरिंग फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसका राइट आंसर होगा विद इरेगुलरिटी इन द हार्ट रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज बिलो शोज एन एंजियोप्लास्टी ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स व्हाट इज बी डन, तो ये एक एंजियोप्लास्टी का डायग्राम है, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख सकते हैं, ये एक वेन है जिसमें कि बीच में एक प्लेक बना हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो ऑप्शन है इट इज़ ए कोरोनरी आर्टरी विच हैज़ अ कैंसरस ग्रोथ डैट इज बीइंग रिमूव्ड, इट इज़ ए कोरोनरी आर्टरी विच इज़ ब्लॉक्ड बाय अ प्लेक एंड द सेम इज बीइंग क्रैक्ड, इट इज़ ए कोरोनरी वेन इन विच द डिफेक्टिव वाल्व्स आर बीइंग ओपेंड, इट इज़ ए कोरोनरी वेन ब्लॉक्ड बाय अ पैरासाइट ब्लड फ्लूक डैट इज बीइंग रिमूव्ड, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इट इज़ ए कोरोनरी आर्टरी विच इज़ ब्लॉक्ड बाय अ प्लेक एंड द सेम इज बीइंग क्रैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हीरोडिन इज, हीरोडिन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नेपस विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स इट्स कोगुलेशन इन द ब्लड वेसल्स इज, यानी कि इनमें से क्या है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इज, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो आर्टरीज थिक हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर, इनमें से कौन सा एक मैचिंग पेयर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल के क्लोज होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लब होती है। इसके बाद, एमएल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड वुड मोस्ट लाइकली इंटरफर विद द, इसका राइट आंसर होगा फिल्टरिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लिम्फ, जैसे कि आप जानते होंगे लिम्फ नोड जो होते हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और WBC प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए फिल्टरिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लिम्फ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, वे आर्टरी जो कि ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है सी, कोरोनरी आर्टरीज, जो कि ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है। इसके अलावा, कैरोटिड आर्टरीज ब्लड ब्रेन को सप्लाई करती हैं, हिपेटिक आर्टरीज लीवर को एंड पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स को। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मैन हूज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन मीट्स विद अ सीरियस एक्सीडेंट एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स रेडली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी का अभी भी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और उसे इमीडिएटली ब्लड चाहिए, तो इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड उसे दे सकते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन है, ओ आर एच निगेटिव, ओ आर एच पॉजिटिव, ए बी आर एच निगेटिव या फिर ए बी आर एच पॉजिटिव। तो जैसा कि आप जानते होंगे ओ ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, तो हमें देखना है ओ आर एच निगेटिव और ओ आर आर एच पॉजिटिव में से कौन सा आंसर होगा, तो इंडिया में जो 97% पीपल है उनका ब्लड ग्रुप ओ आर एच पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसे ओ आर एच पॉजिटिव ब्लड देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू द ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो इसका राइट आंसर है डी, द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन आरबीसी। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है हमारी 5000 पर क्यूबिक। बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स होती हैं 3 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा डी, द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ब्लड बैंक। इनमें से कौन सा ऑर्गन ब्लड बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्प्लीम। स्प्लीम जो कि ब्लड बैंक है और लिम्फोसाइट्स एंड रेड कॉर्पसल्स को स्टोर भी करता है और उनका निर्माण भी करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ सर्टेन बॉडी फीचर एंड इट्स वैल्यू काउंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। तो इनमें से कौन सा एक मैचिंग पेयर है? तो ये क्वेश्चन 2003, 2008, 2011 में आया है। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्लड शुगर फास्टिंग इज इक्वल टू 7200 mg पर 100 ml। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो इज द ECG ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, विच ऑफ इट्स कंपोनेंट इट्स करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये एक नॉर्मल ह्यूमन की ECG है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पिक पी एंड पिक आर टुगेदर सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पिक पी इज इक्वल टू इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, कॉम्प्लेक्स QRS वन कंप्लीट पल्स, पिक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, QRS इज इक्वल टू वन कंप्लीट पल्स। तो देख सकते हैं आप, ये QRS है जो कि एक कंप्लीट पल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, द पी वेव रिप्रेजेंट द। तो जो ये ECG दी गई हुई है ये एक नॉर्मल ह्यूमन की है, तो इसमें हमें पी वेव बताना है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द आर्टरिया। तो देख लेते हैं, जो यहाँ पी वेव होती है यहाँ पर डीपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया होता है, और QRS एक कंप्लीट पल्स है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया, जो कि पी वेव रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द ECG ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले ही बताया था, इसका आंसर है सी, कॉम्प्लेक्स QRS इज इक्वल टू वन कंप्लीट पल्स। टोकोफिरॉल स्टैंड्स फॉर, यानी टोकोफिरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ई, जो कि एक फैट सोलेबल विटामिन है। इसके बाद स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, ए बी ई या सी? तो इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन सी, जो कि डी ऑप्शन है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आता है और हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर इज ड्यू टू, गाल ब्लैडर किस के कारण कॉन्ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेस्टोकाइनिन या फिर एंट्रोकाइनेज? तो इसका सही आंसर होगा कोलेस्टोकाइनिन, जो कि ड्यूडेनम की सेल से सिक्रेट होता है। इसके बाद द फंक्शन ऑफ रेनिन इज, रेनिन का फंक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेशन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, डिग्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि रेनिन का काम, रेनिन एक एंजाइम है और उसका काम होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इन अवर बॉडी स्टोर्स, लीवर क्या स्टोर करता है हमारी बॉडी में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द दीज? तो विटामिन इन सभी को स्टोर करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस, विटामिन सी को और क्या कहते हैं? तो ये आप जानते होंगे, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके बाद ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ड्यूडेनम में, ईसोफेगस में, इलियम में या फिर स्टमक में? तो इसका सही आंसर होगा ड्यूडेनम, क्योंकि जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाई जाती है। इसके बाद कर्लिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस ड्यू टू, कर्लिंग ऑफ मिल्क स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, तो इसका आंसर है रेनिन, जो रेनिन है वो कर्लिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम पीएच, इनमें से सबसे कम पीएच किसकी है, तो देख लेते हैं बाइल की पीएच कितनी होती है, बाइल की पीएच 8 होती है, सलाइवा की 6.7, गैस्ट्रिक जूस की 2 एंड पैंक्रियाटिक जूस की 8.8। तो सबसे कम पीएच है गैस्ट्रिक जूस की जो कि 2 होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ्स आर लोफोडोंट, इनमें से कौन से टीथ लोफोडोंट है, तो इसका सही आंसर होगा प्री मोलर एंड मोलर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्टन डक्ट इज द डक्ट ऑफ, वार्टन डक्ट कौन सी डक्ट है, कौन सी ग्लैंड की डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड की, सबलिंगुअल ग्लैंड की, सबमैक्सिलरी ग्लैंड की या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड की, तो इसका राइट आंसर है सबमैक्सिलरी ग्लैंड यानी कि सी। और इस ग्लैंड का पर्पस होता है ड्रेन द सलाइवा, यानी कि ये सलाइवा को ड्रेन करने में हेल्प करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कंटिन्यूड कंजम्पशन ऑफ ए डाइट रिच इन बटर रेड मीट एंड एग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू, यानी यदि कोई अपने डाइट में बटर रेड मीट एंड एग्स खाता है लंबे समय तक तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी, किडनी स्टोन्स, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया या फिर यूरिन लेडन विद कीटोन बॉडीज, तो इसका सही आंसर होगा हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, क्योंकि हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल से होता है और ये सब चीज़ें खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाता है जिससे हार्ट रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेल विद देयर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर सही मैच है, देखिए चार ऑप्शन है, पहला है ऑक्सेंट्रिक सेल ए सिक्रेशन विद पीएच बिटवीन 2 एंड 3, अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहंस सिक्रेशन दैट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, कुफर सेल्स ए डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस न्यूक्लिक एसिड, सीबीएसएस ग्लैंड ए डाइजेस्टिव एंजाइम डेट हाइड्रोलाइजिस न्यूक्लिक एसिड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ए। जैसे कि आप जानते होंगे ऑक्सीडेटिंग सेल से HCl सीक्रेट होता है जिसका पीएच 2 एंड 3 के बीच में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 विच मैच इज ट्रू, इनमें से कौन सा मैच ट्रू है, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन सोर्स, तो सीवियर ब्लीडिंग, टोकोफेरॉल, मिल्क, एग, तो ये तो गलत है, एनीमिया, एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन ऑरेंज, ये भी गलत है, नंबर सी है नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल, कैरेट, मिल्क, तो आप जानते होंगे रेटिनॉल से की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और इसका सोर्स है कैरेट और मिल्क, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड टुक शुगर केन एंड सक्ड इट्स जूस रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, एक बच्चे ने गन्ने का जूस पिया तो उसको इसके इनमें से कौन सा उसके लिए सही है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम, एंजाइम सिक्रेशन, साइट ऑफ फॉर्म एंड प्रोडक्ट्स, तो प्रोटीन, पेप्सिन, ड्यूडेनम, पॉलीपेप्टाइड, तो जैसा कि आप जानते होंगे जो शुगर केन होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसमें होता है सुक्रोज, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी सुक्रोज, और जिसमें जो एंजाइम काम करेंगे वो इन्वर्टेज एंड फ्रक्टोज, और जो इसका साइट होगी वो ड्यूडेनम होगी और प्रोडक्ट बनेगा उसमें ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर सेक्रेशन आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच करता है, तो चार ऑप्शन है, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने देखा था ऑक्सेंट्रिक सेल वाला जिसमें 2 एंड 3 के बीच में पीएच होती है HCl के, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी में फैट प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे वो किस चीज़ से बैरियर करता है, तो चार ऑप्शन है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स, लॉस ऑफ साल्ट फ्रॉम द बॉडी एंड एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो उसका राइट आंसर होगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि आप जानते होंगे जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर का काम करता है और हमारी बॉडी से हीट को प्रिवेंट करता है बाहर जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी कंडीशन डैट नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टूडेज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीरोथैल्मिया, जो कि सही मात्रा में फल ना लेने या फ्रूट ना लेने से होता है। इसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क में कितना फैट होता है, तो 7.2, 9.0, 4.5, 10.9, तो उसका राइट आंसर होगा ए 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड
टू बी हेल्थी वैन कंपेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, बिकॉज वैन कंपेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स फिश कंटेंट्स, फिश खाना और फ्लैश खाने की अपेक्षा में अच्छा होता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल विटामिन, मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो कि फिश में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंडोस्कोपी ए टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे हमारे पेट के अंदर के पार्ट्स को देखा जाता है, वो टेक्निक किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैथरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ। लैथरिज्म क्या ज़्यादा खाने से होता है? केसरी दाल, मस्टर्ड ऑयल, पोलिस्टराइज या फिर मशरूम्स। तो इसका राइट आंसर होगा केसरी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वुमेन बॉडी ऑन द कैल्विन स्केल इज। कैल्विन स्केल में वुमेन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? बिलो द टंग, बिलो द चेक्स, इन द एंगल बिटवीन टू जॉज या बिलो द आई ऑर्बिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिलो द चेक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर सम रीजन द पैरेटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शली नॉन फंक्शनल, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन? द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क इफेक्टली, द पीएच ऑफ स्टमक विल फॉल एब्रुटली, स्ट्रिप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव एंड प्रोटीन्स विल नॉट बी एडेक्टली हाइड्रोलाइज बाई पेप्सिन इंटू प्रोटीज एंड पेप्टॉन्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटीन विल नॉट बी एडेक्टली हाइड्रोलाइज बाई पेप्सिन इंटू प्रोटीज एंड पेप्टॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एम्स में 2 साल लगातार आया है 2014-2016 में, 26, ए हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम रॉ शुगर, 4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी एंड विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी एंड 5 ग्राम लिग्निन, हाउ मैनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू ईट। तो इसमें हमें कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, तो ये इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, 144। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, जो कि 2017 में आया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कैजीन, ट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट कोलेजन, पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कोलेजन, काइमोट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट केसिन। तो इसका सही है डी, काइमोट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट केसिन।